दो दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो, एक दिल्ली की जो वीडियो है वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और वो देखकर बड़ी दिल को तकलीफ हो रही है। ठेला बंडी वाला दिल्ली की किसी सड़क पर वो ठहर के जो है तरकारी फ्रू वेजिटेबल्स बेच रहा था। उसका नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम मोहम्मद बताता है, तो उसके बाद उस नाम को गालियां देकर उसको लाठी से मार कर उसको जो है वहां से जलील करके जो है उसको भिजाया जाता है। लेकिन जब वो तस्वीर, जो वीडियो हमने देखा, तो उससे ये बात पता चलती है कि आज फिरखा परस्त एक तीज फिरस्ता फिरखा परस्ती एक आला उरूज पर है। वो आला उरूज पर भी इसलिए है क्योंकि नेशनल मीडिया जो है वो यही चाहती है कि फिरखा परस्ती हमेशा कायम दायम रहे। तो मैं फिरखा परस्ती यानी मैं फिरखा परस्ती एक जानिब नहीं कहता हूँ, मैं फिरखा परस्त यानी मैं ऐसे बयानात, ऐसे वीडियोस जब सुनता हूँ तो मैं इसको भी फिरखा परस्त कहता हूँ और मैं उनको भी फिरखा परस्त कहता हूँ जो हम जैसे मुसलमान हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखते हैं और लेकिन जब बात करते हैं तो दूसरे मजहब के मानने वाले देवी देवताओं को बुरा भला कहते हैं, मैं उनको भी फिरखा परस्त कहता हूँ। यानी फिरखा परस्ती दोनों जानिब होती है। एक तरफ जब फिरखा परस्ती ऐसे मुसलमान करते हैं जो निर्मल और आदिलाबाद में किया गया है, उसका असर आज भी फिरखा परस्ती में कायम है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए ये बताना ये चाहता हूँ कि मेरा ये मुतालबा है कि उस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो उन हाई कमांड्स तक पहुंचे ताकि उस बंदे के ऊपर जिसने लाठी उठाई, उस जलील के ऊपर जिसने लाठी उठाकर जो है मोहम्मद, इतना प्यारा नाम, मोहम्मद जैसे प्यारे नाम को जो है इस्तेमाल करने, यानी उसको गलीज लफ्जों से पुकारना, उस पर मुझे एतराज़ है। भले ही उसका नाम कुछ और होता तो शायद मैं वीडियो के जरिए नहीं आता, लेकिन इतनी नफरत क्यों रखते हैं भाई, मेरे को बात समझ में नहीं आती। देखिए, नामों से नफरत रखते हैं। अगर नामों से नफरत रखना है तो मुझे मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, दिल्ली के निर्भया के केस में भी एक बंदा था, उसका नाम राम सिंह था। तो क्या अब राम के नाम से भी नफरत करेंगे? वो तो रेप केस में मुलव्वस था। तो नामों से कुछ नहीं होता है, नफरतें दिलों में पैदा हुई है और ये नफरतें पैदा करने वाले नफरतदान सियासतदान है और नफरतें पैदा करने वाले एक नफरतदान एक मीडिया सेक्टर है जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला दे ताकि वो नफरतें जो है इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, देखिए जैसा बीजेपी की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने की आइडियोलॉजी है, और वैसे ही हमारे एक मुस्लिम चेहरे हैदराबाद के, उनकी भी एक आइडियोलॉजी है जो हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने वाली आइडियोलॉजी है। तो ये दो आइडियोलॉजीज इंटरनली एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हूं, नामों से नहीं। देखो, मोहम्मद के नाम से अगर आप गाली देंगे, मारेंगे, तो याद रखो निर्भया रेप केस में भी रुख होने वाले का भी नाम राम था। जब आप ऐसी जलील हरकत करेंगे तो ऐसे जलील अल्फाज आपको भी सुनना पड़ेगा। शुक्रिया। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। बहन की चोद तेरी मोहम्मद की। ए बहन चोद, रोटी भी देख रहा बहुत, ठीक है? रोटी भी देख रहा, रोटी भी देख रहा। आ गया तुम्हारा, चल लेकर अंदर। अब बिना आईडी के मत आना, बिना आईडी के चला रहा नहीं दिखेगा तू। बिल्कुल मत सब्जी बेची है तू, चल। तुमने तो बैठने के लो इतनी जियाद बचा दिया तुमने, चल बैठने की चुप तेरी। दोबारा बगैर आईडी के दिखा देख लिया तू, चल अंदर। आईडी